अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान न्यूज़ टीवी में खुश आमदीद। मेरी भाई, मैंने तो बहुत पहले कह दिया था कि मुझे ECL पे रखने से कोई मुझे फिक्र या कोई परवाह नहीं है। मैं जब से चीफ मिनिस्टर बना हूँ उस वक्त से मैं यहाँ तो सरकारी विजिट्स पे जाता हूँ, और अगर कोई सरकारी विजिट पे जाना हुआ तो मुझे नहीं रोक सकते। दूसरा, मैं सिर्फ हज के लिए, उमरे के लिए, और एक बार मैं इराक गया था कर्बला माना, और अगर वहाँ से बुलावा आएगा तो कोई भी ज़मीनी ताकत मुझे रोक नहीं सकती जाने से। उसके अलावा मुझे जाने का कहीं शौक ही नहीं है फिलहाल, इसलिए कि मेरी मसरूफियात और इतनी है। ये बात बहुत पहले से की हुई है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि नैब जो है वो अक्रॉस द बोर्ड, लेकिन उसके साथ साथ ये तो मैंने नहीं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने और सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने ताज़ा जो है कहा है कि किसी की भी इज्जत नफ्स को आप मजरूह ना करें, और इंक्वायरी करनी है बिल्कुल करें। मैं आपसे काउंटर सवाल करूं, आप नाजेबा अल्फाज सुनते हो और चलाते क्यों हैं? अगर नाजेबा अल्फाज आप खुद कह रहे हैं तो आप ना सुने और ना उसको चलाएं, उसका मुंह बंद हो जाएगा। शाहजाद, मुल्क में रद्दुल फसाद ऑपरेशन चल रहा है, क्या इस तरह के फसाद फैलाने वालों के खिलाफ भी कोई सिंध हुकूमत कार्रवाई करेगी? नहीं नहीं, हमारे यहाँ कोई फसाद फैलाने की कोशिश करेगा तो उससे आईनी हाथों से निपटा जाएगा। हमने अल्लाह ताला के शुक्र है, सिंध हुकूमत ने लोगों की मदद से, हमारी पुलिस की कुर्बानियों से, फौज और रेंजर्स की मदद से इस सूबे से दहशतगर्दी का बड़ी हद तक खात्मा किया है। छोटे मोटे फसादी जो है वो हमारे सामने नहीं दिख सकते। शाह साहब, आप क्या कहेंगे, रियासत मदीना में दोहरे कानून नजर आ रहे हैं, एक जानब तो अलीमा आपा को एनआरओ दिया जा रहा है, दूसरी जानब फरियाल तालपुर का नाम इसीलिए में डाला जा रहा है, वो अदालतें जा रही हैं। देखिए, अदालतें मौजूद हैं, हमें अदालतों पे पूरा यकीन है, इंशाल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि ऐसा दोहरा मेयार कहीं अगर हुआ तो उसको अदालत। शाह साहब, इलेक्शन से पहले खलाई मखलूक का बड़ा चर्चा हुआ, कहीं किसी तक उसने अपना काम भी किया। अब जब नवाज शरीफ की गिरफ्तारी हुई है, शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी हुई है, क्या आपको लगता है कि यही खलाई मखलूक दोबारा मुतहरिक हो गई है? मेरे भाई, देखें, ज़रूर जो सियासी जमातें हैं वो अपनी कोशिशें करती हैं, और सियासी जमातों को कुछ सपोर्ट भी हर जगह पे हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ मिलती रही, लेकिन मैंने कई बार कह चुका हूँ, अभी भी आपको बताएं, रिपीट करता हूँ, जब तक इस मुल्क के अवाम और ख़ासतौर पे सूबे सिंध के अवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे, हमारी लीडरशिप बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, आसिफ अली जरदारी साहब पे यकीन रखते हैं, तो किसी की भी साजिशें कामयाब नहीं हो सकेंगी। वो तो मौकफ आ गया है ना, पीपल्स पार्टी का मौकफ आया हुआ है और वो लीडरशिप फैसला करेगी। बड़ी बुराई और नून लीग को छोटी बुराई कहा है, क्या बड़ी बुराई से मुकाबले के लिए छोटी बुराई का साथ लेकर आपको नासिर शाह साहब मौजूद है इधर, उनसे ये सवाल करें, कोई हुकूमत तहरीक लाएगी? देखिए, मेरी बात सुनिए, ये अलायंसेस या अपोजिशन का इकट्ठा होना, ये सब पार्टी लीडरशिप की और सलाह मशवरे की बात होती है, तो इस पर आप वेट करें, ज़रूर इंशाल्लाह ताला प्रॉपर इसकी टाइम पे जो है ना हर चीज़ होगी। कल सईद गनी साहब पार्टी वजीर इत्तला और पंजाब के जो सूबाई वजीर इत्तला थे, अगर जिन्होंने अपनी जुबानों को लगाम नहीं दिया तो सिंध में दाखिले पे पाबंदी ऐड की जा सकती है, ऐसा बयान था ये, दाखिले वाखले पे पाबंदी नहीं होगी, जो आपने कहा ना, आप लोगों के आपके एक साथी से भी सवाल आया था ना कि ये नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करते हैं तो उनको प्रमोट जो है ना जो करते हैं वो बंद कर दे तो इनकी। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि हर वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।